हेलो दोस्तों, देखिए ये मेरा एक वाइट हिबिस्कस का पौधा है जिसको आज मैं रिपोर्ट करने की सोच रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसमें से ऊपर ऊपर के जितना मलबा है ये सारे सबको हटा देता हूँ, एक साइड करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, हम मैं इसको ऊपर ऊपर के देखिए, ये जो टॉप सॉइल है उसको मैं कुछ निकाले ले रहा हूँ जहाँ तक मेरी इसमें सॉइल नहीं निकल जाती है। अरे वो तारे वाला है, तारे वाला धुरिहा मछली रहेगी। हाँ, वही के हैं, उचार बोरियन वाले के, उचार बोरियन वाले के। हाँ, उन्हीं वाले क्या रही? बिना पूछे अपने मन से काम कराती है तो तुमको बता रहे। दोस्तों ये साइड से थोड़ा चटक गया, कोई बात नहीं, इसकी रूट्स देखते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, ज्यादा रूट्स बाहर में सॉइल के लिए, कोई बात नहीं। हम इसके ऊपर की ये टॉप सॉइल को अलग करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों देखिए, अब हमने ये सॉइल ली है और इसमें हमने सेम कंपोस्ट और सेम मात्रा में हमने सॉइल ली है और ये रूट्स हम सबको अलग कर देंगे। ये दोस्तों, इसको मिलाने के बाद अब हम इसे कुछ फर्टिलाइजर अपने मिला रहे हैं। देखिए इसमें हम दोस्तों, इसमें हम थोड़ा सा जाइम डालने के बाद थोड़ा सा जिप्सम डाल रहे हैं।
उसके बाद थोड़ा सा डीएपी, थोड़ा सा ऑक्टेन, और इसको हम मिला देंगे। अच्छी तरीके से इसको हमें मिलाना है ताकि हमारी कंपोस्ट पाइल और सब अच्छे से पूरा मिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों जो आप अपनी कभी भी कुछ भी बड़े सॉल बनाइए तो आपकी थोड़ी बहुत मॉइस्ट होनी जरूरी है। अगर थोड़ी बहुत मॉइस्ट नहीं होगी तो दोस्तों वो उसमें प्लांट जल्दी सेट नहीं होता। इसके बाद हम थोड़ा सा एक नीम पाई, इसमें नीम पाई डालेगा अच्छे से और मिला देंगे। और ये अब हमारी ये पौधे को बनकर तैयार लगाने के लिए हमने सबसे नीचे पहले वही सारी फाइब्रस रूट डाल दी। इतनी भी पड़ी हुई बेकार लीफ को डाल दिया। ये देखिए अब ये हमारा तैयार हो गया है। ये दोस्तों इसकी ग्रोथ देखिए, इसमें न्यू बड्स भी आने लगी हैं। और यही सीजन है कि जब आप अपने पौधों को रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि दिन में तकरीबन 20 डिग्री सेंटीग्रेड और रात में तकरीबन 10 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होता है, तो आप इसमें अपने पौधों को ईजिली फर्टिलाइज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इसमें मैंने ग्राफ्टिंग किया था।